हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पंदन्स केक वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे जानेंगे कि एक सिंपल से केक को कैसे घरेलू जुगाड़ से हम डेकोरेट कर पाएंगे। तो आगे देखिए मैं कैसे घरेलू मेथड से केक को डेकोरेट की। तो ये पापिलोन का ब्लू वाटर कलर है और ये जो प्लास्टिक शीट्स आप लोग देख रहे हैं ये मेरे बेटे की शर्ट में आई थी। वो जो प्लास्टिक शीट है उसमें प्राइस लिखा हुआ था शर्ट में, तो वो मैं निकाल कर ये उसके मदद से मैं ये केक को डिजाइन दी। तो उसके बाद ये जो स्टेप वाला पैलेट नाइफ है वो कलर को मैं अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ। देखिए वाइट और ब्लू के कॉम्बिनेशन में एक अच्छी शेड आ गई। और ये थोड़ी सी क्रीम लेकर वो क्रीम में मैं जेल कलर, पिंक जेल कलर ऐड कर दी। और ये रोज नोजल लेकर वो जो पिंक क्रीम है उसे मैं छोटी छोटी फ्लावर बना रही हूँ। देखिए ये जो टर्न टेबल है ना, टर्न टेबल के ऊपर ये केक बेस रखने से वो बार बार शिफ्ट हो जाती है, तो इसीलिए मैं एक हाथ में पकड़कर ये डिजाइन बना रही हूँ। ये इसीलिए साइड हो गई है, मुझे पता नहीं कैमरा से साइड हो गई है, मुझे पता नहीं। देखिए दो फूल बना दी, फिर वो झुकाकर नीचे झुकाकर वो एक और फूल बना रही हूँ। बीच बीच में मेरी सर आ जाती है तो सॉरी। इतनी जल्दी जल्दी में एक एक ऑर्डर आया था ना फ्रेंड्स, तो क्रीम में कलर मिलाने को टाइम नहीं मिला, तो मैं ये कुछ सोचा नहीं था क्या करूँ क्या ना करूँ। तो ये मैं जैसे तैसे बनाते बनाते बहुत सुंदर बन गया और कस्टमर भी बहुत खुश हुए। मुझे हमेशा अर्जेंट ऑर्डर ही आ जाती है, पता नहीं क्यों, फिर भी मैं बना के दे देती हूँ। फिर देखिए ये आधा फूल बनाई, आधा आधा कली देकर ब्लू के ऊपर पिंक कॉम्बिनेशन अच्छा दिखता है। और ये मैं थोड़ी क्रीम में लाइट ग्रीन कलर लेकर भी कट करके वो जो पाइपिंग बैग को ये मैं लिप बना रही हूँ। देखिए थोड़ी लूज क्रीम लेने से ये ठीक से बनती है, ये जो क्या लिप ठीक से बनती है। देखिए नोजल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लिप नोजल की। देखिए लिप की पॉइंट कैसे निकल कर आ रही है। और ये छोटी वाली स्टार नोजल ली हूँ, वो जो थोड़ी येलो कलर थी, इसके पहले एक केक बनाई थी तो उसकी थोड़ी येलो कलर बच गई थी, तो ये येलो कलर पिंक कॉम्बिनेशन में अच्छा लगेगा, इसीलिए छोटी वाली स्टार नोजल लेकर वो येलो क्रीम को यूज कर दी। देखिए फिर बेस में भी छोटी छोटी स्टार बना ली। आगे देखिए, मेरी वीडियो को स्किप ना करके आगे देखिए कितनी सुंदर लग रही है। सिंपल सी केक कितनी सुंदर डिजाइन बन गई छोटी प्लास्टिक शीट से। फिर वो जो फ्लावर बनाई थी रोज नोजल से, वो साइड साइड में येलो फ्लावर के साइड में एक एक पंखुड़ी दे दी, जो पेटल है वो एक एक दे दी।
कलर कॉम्बिनेशन के लिए। कलर कॉम्बिनेशन अच्छा होगा तो बहुत सुंदर दिखता है। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए, और अच्छा लगा है या बुरा लगा है कमेंट्स में ज़रूर बताइए। देखिए, और इसके बाद वो जो छोटी छोटी स्प्रिंकल्स है व्हाइट बॉल, वो मैं इसके ऊपर सजा दी। बिना स्प्रिंकल के मैं केक नहीं बना पाऊँगी शायद। देखिए, और ये मैं जो फ्लावर के ऊपर सिल्वर डस्ट स्प्रे कर रही हूँ, सिल्वर लस्टर डस्ट है, इससे शाइनिंग बहुत सुंदर शाइनिंग आती है। विदाउट ग्लेजिंग जेल के बिना भी आप वो जो ब्यूटीफुल केक बना पाओगे। देखिए, मैं कोई ग्लेजिंग जेल नहीं यूज की, क्योंकि कस्टमर मना किए थे ग्लेजिंग जेल हमें नहीं चाहिए, वो उनको चिपचिपा सा लगता है, इसीलिए उनके ऑर्डर के हिसाब से मैं ये अर्जेंट में बनाई। देखिए, जेल में वन ड्रॉप भी यूज नहीं की, फिर भी सुंदर लग रही है। बनकर रेडी हो गई मेरी सिंपल सी केक घरेलू जुगाड़ से। आप लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं तो फ्रेंड्स, दिल से आप लोगों को शुक्रिया।